नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं अंजू सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वाद संवाद के इस बहुत खास शो में। बहुत खास इसलिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। इन 2 साल की एक पड़ताल करने के क्रम में आज हम किसानों को फसल का उचित भाव दिलाने का महत्वाकांक्षी माध्यम बन रहे राष्ट्रीय कृषि बाजार पर चर्चा करेंगे। ई प्लेटफॉर्म से जुड़े होने के कारण इसे संक्षिप्त में ई नैम भी कहा जाता है। ये ई नैम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुना करना चाहती है। ये उनकी फसल के उचित भाव मिले बिना संभव नहीं है। इनाम किसानों को उचित और लाभकारी भाव दिलाने का एक माध्यम है। राष्ट्र के किसानों को 14 फरवरी को इनाम समर्पित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, वो सुनिए। पहले मैं देश के किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि इस प्रयास से किसानों की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो इस प्रयास से बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, ये कहना है प्रधानमंत्री का, और इसको 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। तो किसानों के लिए तैयार राष्ट्रीय कृषि बाजार में क्या हो रहा है, और कहते हैं ना पूत के पांव पालने में ही नजर आने लगते हैं, तो इस पूत के पांव कैसे हैं, इस महत्वाकांक्षी योजना पर वाद संवाद करने के लिए हमारे साथ हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री के एस श्रीनिवास जी। स्वागत है आपका। इनाम के रणनीतिक सहयोगी नागार्जुन फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड के सीईओ श्री जितेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी स्वागत है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक डॉक्टर जे गणेशन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की क्षेत्रीय प्रशासक सुश्री वर्षा खांगवाल जी भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हरियाणा के एलनाबाद बाजार समिति के प्रशासक श्री प्रदीप दहिया जी भी मौजूद हैं, चर्चा में शामिल रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत दूरदर्शन किसान के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। इसके साथ ही इनाम के पक्षकार किसान और आढ़ती और साथ ही व्यापारी भी इस चर्चा में शामिल होंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सबने टाइम निकाला और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंचे। तो किसानों के लिए तैयार राष्ट्रीय कृषि बाजार पर बात शुरू करने से पहले इस रिपोर्ट पर एक नजर डाल लेते हैं, जानते हैं कि दरअसल ये है क्या और कैसे किसानों तक पहुंच रही है, कैसे किसानों के लिए लाभकारी है। खाद्य सुरक्षा स्वतंत्र भारत का एक प्रमुख लक्ष्य था। इसी ने भारत में हरित क्रांति की नींव रखी। हरित क्रांति के बाद दूसरी क्रांति अब कृषि विपणन में आ रही है। अब तक स्थानीय नीलामी होती थी जिसमें बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं होती थी, किसानों को सही मूल्य भी नहीं मिलता था। हमारे लिए आवश्यक है हमारे किसान को सामर्थ्यवान बनाए, हमारे किसान को आर्थिक ताकत दे, सुविधा दे। भारत सरकार की ये नई सोची समझी पहल है जिसमें सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि ग्राहकों एवं व्यापारियों को भी फायदा मिलेगा। ये भारत के किसानों के लिए नए बाजारों, नए आयामों, नई संभावनाओं एवं आय बढ़ाने के नए तरीकों का सृजन करेगा। भारत सरकार पेश करते हैं पहली बार एग्रीकल्चर मार्केटिंग में एक क्रांतिकारी कदम, ई नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये देश में प्रतिस्पर्धात्मक बाजार ढांचे के रूप में पहचान बनाएगा जिससे विपणन दक्षता बढ़ेगी। इससे पूरे देश के भीतर कृषि उत्पादों का ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकीकरण होगा और ये वर्तमान कृषि विपणन प्रणाली की चुनौतियों को दूर करने में एक रेवोल्यूशनरी पहल है। अखिल भारतीय व्यापार पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार है। इसमें किसान अपने उत्पादों को अपने नजदीकी बाजार में ऑनलाइन सूचीबद्ध करा सकते हैं और व्यापारी कहीं से भी अपनी बोली लगा सकते हैं। इसके माध्यम से किसानों को अपनी इच्छा अनुसार बाजार को चुनने में सक्षम बनाकर अधिक से अधिक व्यापारियों तक उनके उत्पादों को पहुंचाना है। इससे आय में खासी वृद्धि होगी तथा अधिक प्रतिस्पर्धा के साथ व्यापार में पारदर्शिता भी आएगी।
ये राष्ट्रीय बाजार एकीकरण आईटी की बदौलत संभव हुआ है। इसके लिए राज्यों से भी अनुरोध है कि वे तीन रिफॉर्म अपनाएं, जैसे परमिशन ऑफ ई ट्रेडिंग, सिंगल ट्रेडर लाइसेंस, सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फी। सिंगल ट्रेडर लाइसेंस, अब तक व्यापारियों को हर बाजार अथवा राज्यों के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती थी, लेकिन इस सिंगल ट्रेडर लाइसेंस से अब उन्हें सिर्फ एक बार लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी, जिससे वो पूरे राज्य में अपना व्यापार कर पाएंगे। ये एक पहला कदम है जिससे यूनिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट अंततः पूरे देश में लागू हो सकेगा। सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फी, व्यापारियों को अब तक हर मंडी में अलग अलग शुल्क देना पड़ता है, लेकिन ई नाम से अब केवल एक ही बार शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा और इससे दामों की वृद्धि पर अंकुश लगाने में सहयोग मिलेगा। प्रारंभ में एनएएम के अंतर्गत 8 राज्यों के भीतर 25 उत्पादों एवं 21 बाजारों को शामिल किया जाएगा और बहुत जल्द पूरे देश में 585 बाजार इसमें शामिल होंगे। यही नहीं, यदि किसानों को अपने उत्पाद की सही कीमत नहीं मिल रही है तो अगले दिन वो फिर से ऑनलाइन बोली में भाग ले सकते हैं। बेहतर दाम और बैंक खाते में तुरंत भुगतान से किसानों का सशक्तिकरण होगा। इसके अलावा राज्यों को लैब सुविधा भी किसानों एवं व्यापारियों के लिए मुहैया करानी होगी, ताकि बोली लगाने वाला उत्पाद की गुणवत्ता की विस्तृत जानकारी पा सके। इसके लिए भारत सरकार लैब सुविधा खोलने के लिए राज्यों को प्रति मंडी 30 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान कर रही है। इन लैब टेस्ट से फसल की सही गुणवत्ता और सही दाम निर्धारित होंगे। सचमुच ये ई नाम किसानों के लिए एक पुरस्कार स्वरूप है, जो हमारे किसानों द्वारा मेहनत एवं पसीने से उगाई गई फसल को राष्ट्रीय कृषि बाजार तक पहुंचाता है। ये एक नई क्रांति की शुरुआत है, जो भविष्य में भारत के किसानों और कृषि को अधिक समृद्ध बनाएगा। रिपोर्ट देखिए, और अगर कहा जाए कि ये ईनाम किसानों के लिए इनाम है तो गलत नहीं होगा। इससे किसान समृद्ध होगा, उसके पास अपनी ताकत होगी, वो ये फैसला कर पाएगा कि उसे कहाँ अपना माल बेचना है। इनाम के शुरू हुए एक महीने से ज्यादा हो गए हैं, पूत के पांव पालने में कैसे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एनएम से किसानों को क्या मिलेगा। हम सबसे पहले श्रीनिवास जी के पास जाते हैं। श्रीनिवास जी, आप जानना चाहेंगे कि दरअसल इससे अभी तक क्या तस्वीर उभर कर आ रही है, कितना फायदा किसानों को पहुंच रहा है या फिर ये कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट अभी एक महीने हो गया था जी जी। सो अभी तक 8 राज्यों में ये राज्य है, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और हिमाचल प्रदेश, ये 8 राज्यों में 21 मंडी में ये इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का पोर्टल अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो उसको हमको मेरे को बहुत अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट द इम्प्लीमेंटेशन इज गोइंग ऑन वेरी वेल एंड ये पूरा अच्छा पार्टिसिपेशन है हमारा पूरा राज्यों का, मंडी बोर्ड ऑफिशियल्स से, हमारा फार्मर्स किसान भाइयों से, पूरा हमारा ट्रेडर्स भाइयों से अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है एंड उम्मीद है ये आने वाले 10-15 और एक महीने में बहुत अच्छा तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा जी। श्रीनिवास जी, एक चीज और भी है कि क्योंकि जब ये बात इंटरनेट की होती है, तकनीक की होती है, तो आपस में एक कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। तो जिन 8 से शुरुआत की गई है, इनके बीच में किस तरह का आप तालमेल देख पा रहे हैं? जिस सोच के साथ इसे शुरू किया गया, आपको लगता है कि वो उस गति के साथ आगे बढ़ रही है सोच? या देर आर स्मॉल इश्यूज विद कनेक्टिविटी आल्सो। सो आपको मालूम होगा ये इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, एक इतना राज्यों से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसके लिए कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण अंश है। सो इसलिए एक सभी राज्यों से हमने बोला है, एक डेडिकेटेड लीज लाइन
इसके लिए इम्प्लीमेंट करना है. सो आई एम वेरी हैप्पी टू से दे हैव टेकन डेडिकेटेड लीज लाइन. एंड मैंने एक मीटिंग भी किया बीएसएनएल हेड ऑफिस है इधर दिल्ली में. सो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू एंश्योर दैट कनेक्टिविटी इज अनहिंडर्ड. जी जितेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी कि जब बात होती है तकनीक की तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो बहुत सुगम हो, और खास तौर पर जब आपका टारगेट किसान है तो उन्हें इससे जोड़ने के लिए बहुत सोच के साथ शुरू करने की जरूरत होती है, उसका इंटरफेस ऐसा होना चाहिए. तो किस तरीके से मंडियां इसमें जुड़ रही है और किसानों का रुझान किस तरीके से देख रहे हैं, और इसको किसानों के लायक बनाने के लिए यानी किसान इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाए, रुझान दिखाए, यहां पर आपने कैसे काम किया? देशव्यापी एक योजना है. अगर ये किसी एक प्रदेश या किसी एक जिले के लिए होती तो हो सकता है कि शायद आसान होता कुछ. जी जी. पर तरह तरह की भाषाएं हमारे यहाँ, कुछ कोस पे भाषा बदल जाती है, पानी भी बदल जाता है. तो इसी तरह से भाषा के मुताबिक किसान आज की तारीख में एक बात तो कहनी पड़ेगी. जी जी. कि उनके पास मोबाइल भी है और कंप्यूटर की तरफ रुझान भी है. बिल्कुल. और ये बहुत अच्छे संकेत है. ये बहुत अच्छा संकेत है. और दूसरा, वो आगे देखना चाह रहे हैं कि ये क्या यही एक बाजार है मेरे लिए जो मेरे बाजू में है, या क्या देशव्यापी स्तर पे क्या मैं कुछ अपना सामान बेच सकता हूँ. जी जी. कहाँ पर कितनी कीमत आ रही है, किसान आज की तारीख में खुद मोबाइल पर चेक करने लगा है. तो उस हिसाब से ये एक बहुत अच्छा संकेत था. पर फिर भी एक हम इस तरह को ऐसे नहीं मान सकते कि किसान एक तरह इधर आ रहा है इस तरफ तो हम उनको अंग्रेजी में प्रदान कर दें, या फिर दक्षिण में हमारा तेलुगु और तमिल बोलने वाले किसानों के लिए हम उनको हिंदी में या इंग्लिश में दें. तो ये शायद ना चले. तो इसी तरह से इसी को देखते हुए भारत सरकार ने ये भी हमको एक विचार दिया था कि ये रीजनल भाषाओं में भी होना चाहिए. जी जी जी. तो अगर एक मिनट आप देखें तो वेबसाइट भी हमारी आज की तारीख में खुद बिल्कुल, और मैं देख भी रही हूँ कि चार भाषाओं में लैपटॉप लेकर आए हैं. तो हम चाहेंगे कि एक बार दिखाएं, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, किसान दर्शक भी स्टूडियो मौजूद है और लाखों की करोड़ों की संख्या में भी जुड़े हुए हमारे साथ हमारे शो के माध्यम से. तो ये वेबसाइट क्या है, कैसे खुलेगी, कैसे काम करती है, अगर एक उसका आप हमें यहाँ पर डेमो देकर दिखा सके. देखिए, दो तरीके से, अगर किसान को नाम याद नहीं है वेबसाइट का तो गूगल पे भी करेंगे तो सबसे ऊपर नैम का ही आ रहा है. जी जी. enam.gov.in आता है. जी जी. उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये आता है सबसे पहले, राष्ट्रीय कृषि बाजार, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट. ये इसका सबसे पहले जो पेज खुलता है, होम पेज खुलेगा. जी जी. उसका होम पेज खुलेगा, उसमें ये है कि किसानों के लिए लॉगिन है, स्टाफ के लिए किसानों के लिए लॉगिन है. रजिस्टर भी कर सकते हैं ऑनलाइन. जी जी. हेल्प भी ले सकते हैं, मदद चाहिए अगर आप तो फोन कर सकते हैं. जी जी. और फिर हमसे संपर्क करने का भी इसमें तरीका है. जी. और इसमें हम भाषा का भी एक विकल्प देख रहे हैं. आप देख रहे हैं कि जैसे ये हिंदी में मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको. जी. इसको अगर मुझे बदलना हो तो सिर्फ यहाँ से बस मुझे क्लिक करना है. ये मेरी साइट गुजराती में बदल गई. जी जी जी. ये देखिए गुजराती, यानी गुजरात का जो किसान है वो भी इसे समझ सकता है, पढ़ सकता है अपनी भाषा में. और देखिए ये तेलुगु में, अब हम तेलुगु में इसको देख पा रहे हैं. जी जी. और अंग्रेजी में तो खैर ये थी ही, तो इसको ये रहा इंग्लिश में. जी. तो देखिए, जैसे मैंने कहा था कि देखते हैं अगर कनेक्टिविटी साथ देती है तो. जी. ये पहला पेज होगा हमारा जहाँ पे ये पूछा जाएगा कि आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाता है. जी जी. जिससे कोई, तो यूजर आईडी पासवर्ड खुद हासिल किया जा सकता है इसमें रजिस्टर करके, किसान रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को. इस समय पर दरअसल किसानों का रजिस्ट्रेशन और व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन क्योंकि मंडी समितियों के द्वारा किया जाता है. जी जी. तो हमने क्या किया है कि वो पूरा डाटा अपलोड करके व्यापारियों को और किसानों को वो लॉगिन आईडी देने की कोशिश की है. और इसी के तहत बताना चाहेंगे कि 7,000 से ज्यादा व्यापारी इसके ऊपर ऑनलाइन आ चुके हैं. 7,000 से ज्यादा. जी. और अभी एक महीने से कुछ समय ज्यादा ही हुआ है. हाँ, इसके ऊपर ऑनलाइन आ चुके हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है और लॉगिन कर सकते हैं वो. जी. तो इसमें आई थिंक फिर से इसमें तीन तरह के ऑप्शन होंगे हमारे पास में, एंट्री और देखिए किसी चीज का आवक और उसके सामान की बिक्री होने के बाद में बाहर जाने के लिए. जी जी. आवक जावक की इसमें सुविधा है. जी जी. उसके बाद में लॉट कहते हैं ढेरी को हमारे यहाँ, कहीं पे ढेरी है तेलुगु में कुछ और भाषा है, गुजराती में कुछ और, कहीं पे ढेरी जो लगाते हैं अन्न की या जो भी हम सामान बेचने आए हैं फल सब्जियों की ढेरी लगाते हैं. जो नीलामी होती है मंडियों में आज की तारीख में भी, जहां पर कंप्यूटराइज नहीं है, जहां यहाँ नैम है वहां तो इसके थ्रू होगी, अदरवाइज वहां पर भी ढेरियों का नीलामी होती है कि एक ढेरी की
क्या गुणवत्ता है, कारोबारी उसे आके देखते हैं, कारोबारियों का तजुर्बा आज की तारीख में इतना कि वो हाथ से भी देख लेते हैं एक्सटर्नल, तो वो तमाम जो चीजें हैं डेटा जो है इसमें रहेगा, इसके अंदर रहेगा और इसमें व्यापारी भी इससे जुड़ सकते हैं और जैसा कि आपने बताया 7,000 से ज्यादा व्यापारी जुड़ चुके हैं और किसान भी इससे जुड़ सकते हैं और एक तरह का ये साझा कह सकते हैं प्लेटफॉर्म होगा किसानों के लिए। बेहतर ये होगा कि अब उन्हें धक्के नहीं खाना पड़ेगा मंडी मंडी और उनका जो दायरा है वो भी बढ़ सकता है, अगर उसे दूसरे राज्य में अच्छे दाम मिल रहे हैं तो वहां भी वो जा सकता है। वर्षा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, अभी तक आप कैसा देख रहे हैं कि क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी समस्या यही हम देख रहे हैं और जब भी चर्चा होती है उनकी बेहतरी की तो बात ये होती है कि बिचौलिए जो है वो चांदी काटते हैं और जो किसान है बेचारा उसे कुछ नहीं मिलता है, तो इसमें ये प्लेटफॉर्म कितना कारगर दिख रहा है? देखिए अभी तक जो हमने अनुभव किया है किसान अपने आप को काफ़ी एम्पावर्ड महसूस कर रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, इसमें अश्योर्ड और रिस्क फ्री पेमेंट है एस्क्रो अकाउंट्स के माध्यम से जी, जिसमें कि सीधे पेमेंट किसानों के बैंक खातों में ही आती है जी। इसमें सबसे बड़ा लाभ किसान को जो मिल रहा है वो ये है कि किसान अपने आप को देश की बाकी मंडियों से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। अब किसान के पास ये ऑप्शन है जी कि वो अपने प्रोड्यूस को लोकल मंडी के दाम के बजाय देश की बाकी मंडियों के दाम से कंपेयर करके ऊंचे से ऊंचे दाम पर बेच सकता है जी, जी, जी। पहले ऐसा नहीं था, काफी किसान आजकल टेक्नोसेवी भी हैं। हमने क्योंकि मैं करनाल जोन की जोनल एडमिनिस्ट्रेटर हूं, करनाल में हमने काफी सुविधाएं दी हैं किसानों जी, को जी। एक ई ऑक्शन हॉल हमने तैयार करवाया है जिसमें प्रॉपर कनेक्टिविटी है, जहां बैठकर किसान आड़ती ट्रेडर्स अपने लॉग इन करके और ये ई ट्रेडिंग कर सकते हैं जी जी जी। अदरवाइज भी किसान अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का यूज करके कहीं भी बैठकर इसको चला सकता है जी। तो एक तरीके से जो मार्केट फोर्सेस पहले फ्लक्चुएट करती थी और किसान को नुकसान भी पहुंचा सकती थी फायदा भी पहुंचा सकती जी, थी जी। आज के तारीख में ई ऑक्शन होने से मार्केट फोर्सेस दरअसल किसान के हक में काम कर रही जी, है जी जी जी। दैया जी क्योंकि बात हो रही है ट्रेडर्स की भी यहाँ पर कि उन्हें भी एक तरीके से ये मंच मिलेगा, उनके लिए भी बेहतर होगा, चीजें आसान होगी, तो आप उनके पक्ष को किस तरीके से देखते हैं, उनके लिए कितना बेहतर है? देखिए जैसा आपने कहा कि ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म रहेगा जी, जैसा कि अभी देखने में भी आ रहा है गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट भी जैसे हो रहा है, ट्रेडर्स भी हैं जैसे नेक्स्ट जनरेशन ट्रेडर्स आ गए हैं, अभी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हो गए हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे तो उनको नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑल्सो वो दूसरे क्षेत्रों की मंडियों को एक्सेस कर सकते हैं जी। अब जैसा कि कहा जाता है कि ट्रेडिशनल जो आड़ती सिस्टम है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो इसमें रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं रहेगा कि आड़ती सिस्टम हट जाएगा, बस इतना होगा कि जो पूरा प्रोसेस है उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हुए उसको फास्ट करने की कोशिश की जाएगी जी, जी, जी। ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं सभी स्टेक होल्डर्स को फायदा मिले। अब जैसा आपने कहा हमारे जो आड़ती रहेंगे ट्रेडर्स रहेंगे उनका एस्क्रो अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, उससे होगा क्या कि जो ट्रांजेक्शन टाइम रहेगा, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जो फसल आती है एक कम टाइम विंडो होता है उसी में आती है जी, तो जी। फास्ट प्रोसेसिंग की वजह से उनको भी उनका वॉल्यूम बढ़ेगा बिजनेस का जी, ये हम एक्सपेक्ट कर जी। श्रीनिवास जी इसकी सफलता के लिए और क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी योजना बहुत ही उत्साह के साथ शुरू होती है लेकिन कुछ दिनों बाद या तो उसे उतनी तेजी से अपग्रेड नहीं किया जाता है या फिर जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं पेचीदगियां आती हैं, इसमें ऐसा ना हो और इसका दायरा बढ़ता रहे, जैसा कि प्रधानमंत्री का सपना भी है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगुना करना है, ऐसे में तकनीक बहुत महत्वपूर्ण होगी और खासतौर पर ई नाम की हम बात कर रहे हैं, इससे किसानों को नई ताकत मिल रही है जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, तो ये चीजें ना हो इसके लिए क्या तैयारियां हैं? अभी एक करनाल का अभी मैं बात कर रहा हूं, करनाल से करनाल का ट्रेडर्स ही अभी ट्रेडिंग में शामिल हो रहा है। अगर करनाल मंडी में कोई मुंबई से कोई ट्रेडर पार्टिसिपेट किया और कोई कलकत्ता से कोई ट्रेडर पार्टिसिपेट किया और कोई साउथ से मद्रास से कोई पार्टिसिपेट किया तो इसमें भी बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। तो इसके लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों को बोला है कि ये अपने मंडी बोर्ड ने पूरा देश में जो ट्रेडर कहा है उसको लाइसेंस देना पड़ता है, तो दिस इज नंबर वन रिक्वायरमेंट। तो अगर वो लाइसेंस हो गए तो इसमें उसका क्या असर क्या होगा, मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन हो जाएगा, कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, अगर कंपटीशन बढ़ जाए तो अच्छा दाम भी किसान भाइयों को मिलेगा जी, तो जी। ये
सबसे अच्छा सबसे बड़ा बात है. सो दैट इज व्हाट वी हैव बीन टेलिंग ऑल द स्टेट्स, प्लीज गिव लाइसेंस टू एवरीबडी, एनीबडी हूएवर इज आस्किंग फॉर अ लाइसेंस, तो सब उनको सबको लाइसेंस देना है. अगर वो हो गया तो आई एम वेरी हैप्पी. द स्टेट्स आर चेंजिंग देयर एपीएमसी एक्ट, दे आर ट्राइंग टू अमेंड दिस देयर एक्ट, ट्राइंग टू अमेंड देयर रूल्स एंड देन ट्राइंग टू डू दिस. सो आई एम श्योर विद इन ए फ्यू वीक्स आर सो ये पूरा हो जाएगा एंड देन इट विल डेफिनेटली हैव ए वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द फार्मर्स इनकम. जी बिल्कुल, कोशिश भी यही है कि किसानों की आय पर इसका सकारात्मक असर पड़े. फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर दो साल की एक पड़ताल करते हुए जारी रखेंगे वाद संवाद, किसानों के लिए तैयार राष्ट्रीय कृषि बाजार पर. आप देखते रहे दूरदर्शन किसान. छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, तुरंत होंगे हाजिर. कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव, दिखाएंगी कब तक दाव, मसालों की मंडी में कैसी है बयार, कब गर्माएगा गेहूं का बाजार, कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान, मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान. सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर. ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर फिर से आपका स्वागत है. दो साल की एक पड़ताल करते हुए जारी है वाद संवाद, किसानों के लिए तैयार राष्ट्रीय कृषि बाजार. किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी हो इसके लिए सरकार तरह तरह के प्रयास कर रही है. ऐसी ही एक प्रयास है राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसके बारे में अभी तक हम चर्चा कर रहे हैं. इस भाग में इस सवा महीने के अनुभव के बारे में वाद संवाद करेंगे. और अब मैं बात करना चाहूंगी कि आखिर इससे कितना लाभ हुआ है किसानों को और इस सवा महीने का जो अनुभव था वो कैसा रहा. श्री गणेशन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कैसे इसको देखते हैं. देखिए, जो हरियाणा राज्य है वो बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड एक राज्य है, और हरियाणा राज्य के अंदर जो हमारी मंडीज की जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छी है. अभी हमारे पास 108 मंडियां पूरे राज्य के अंदर है, और जो पहला चरण है उसमें हमने करनाल मंडी और एरना मंडी को इसमें नाम से हमने जुड़ा है. और जो टू स्टार्ट विथ हमने करनाल में गेहूं को हमने मतलब इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा था, और एलनाबाद में मस्टर्ड का इसको हमने इसमें जोड़ा था. और इसमें काफी अच्छी हमारी रेस्पॉन्सेस रही हैं दोनों मंडियों में. अब इसको हम जो फर्स्ट फेज में हमारा जो टारगेट है वो हम लेके चल रहे हैं कि 54 मंडीज हम इसके नाम के माध्यम से जुड़ेंगे. और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो नॉन MSP प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स आते हैं, जो सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, उसको मैक्सिमम हम इन इसके माध्यम से जोड़ना चाहते हैं. जी जी. इसके दो कारण हैं जी. जी जी. पहला कारण तो यह है कि जब MSP प्रोडक्ट्स, जैसे हमारे प्रदेश में गेहूं की आवक अगर आप देखें तो करीबन करीबन 70 लाख मेट्रिक टन पर साल में हमारे पास आता है. जी जी. और इतना ही मात्रा में हमारे पास पैड भी आता है. जी जी. लेकिन जब मंडी में ये दान आती है तो अगले दिन ही ये किसान उसको बेच सकते हैं और उनको इमीडिएटली जो MSP का रेट है उनको मिल जाता जी, है जी. तो उस किसान को उसका लाभ तुरंत मिल जाता है. लेकिन जब हम सब्जी का देखते हैं और जब फलों का हम अगर देखते हैं तो करीबन करीबन 11 लाख मेट्रिक टन तो हमारी सब्जियां आती हैं और 4 लाख मेट्रिक टन हमारी फ्रूट्स इसमें आते हैं, लेकिन उसका उचित दाम मतलब कभी मिल नहीं पाता है. जी जी. कई सारे इसके कारण रहते हैं जी. लेकिन मान लीजिए अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम इस नैम प्लेटफॉर्म से जुड़े और इसका जो इनको जो बेचने का जो बाजार है वो हरियाणा से बाहर भी मिले और हरियाणा के ही दूसरे मंडी से मिले, तो मेरा ये मानना है कि जो किसान जो सब्जी उगाता है और जो फल लाते हैं उनको एक किस्म से उचित दाम मिलेगा जी. लेकिन डॉक्टर गणेशन जी, ये भी मेरा एक सवाल यहाँ पर है कि अभी तक आपने किस तरह का इसमें रुझान देखा, क्योंकि अगर हम देखें किसानों की तो गेहूं और धान इसी पर ही वो ज्यादा फोकस करते हैं और उन्हें लगता है कि ये सेफ भी रहता है. लेकिन क्या इनाम के जरिए आपने देखा है कि अन्य जिंसों में, या फिर जैसे आप सब्जी की बात करें, फलों की बात कर रहे हैं, उधर कुछ पहले से बेटर देख रहे हो आप, बेहतर बेहतरी देख रहे हो? जैसे मैंने कहा था, अभी जो फर्स्ट फेज में हमने
वीट और मस्टर्ड को ही इसमें जोड़ा है, लेकिन इसका हम अभी एक्सपैंड करने वाले हैं और हमने आगे जो अभी सनफ्लावर सीजन आने वाली है जून के महीने से, उसकी तैयारी हमने कर ली है और एक दो महीने के बाद हम नॉन एमएसपी प्रोडक्ट्स की जो मैं चर्चा कर रहा था उसको भी इस मंडियों से हम जोड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल, तो तमाम मंडियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है और किसानों तक पहुंचने की बात हो रही है। जितेंद्र सिंह जी, आप जानना चाहेंगे आपसे कि सवा महीने में कितना कारोबार हुआ इन एम में, जैसा कि आपने बताया कि 7000 से ज्यादा व्यापारी से जुड़ चुके हैं, लेकिन अगर व्यापार के लिहाज से बात करें क्योंकि मकसद उसका यही है, तो वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे अभी श्रीनिवास साहब ने भी, मिस्टर गणेशन और सबने बताया जी जी, कि ज्यादातर इसमें अभी तक ट्रायल्स कर रहे हैं जी जी जी, कुछ एक्चुअल ट्रांजेक्शन भी हुई है, लेकिन 7000 के 7000 कारोबारी आज की तारीख में ये देख रहे हैं कि देखें इसमें क्या है, है क्या ये, और बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें नुकसान किसी का नहीं हो रहा, ये सबसे अच्छी बात थी इसमें, जहां की हम बोल रहे हैं कि ये सिर्फ किसानों का फायदा और ये, इसमें व्यापारियों का भी नुकसान नहीं है। दरअसल देखिए, व्यापारी अगर किसी एक प्रति मंडी में, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 1000 टन अगर गेहूं खरीदता है, वो अपने कंजम्पशन के लिए तो नहीं रखेगा, वो बिल्कुल अपने खाने के लिए तो थोड़ा ही रखेगा, उसे भी आगे बेचना है, वो तो उसके लिए भी एक मार्केट खुल रहा है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे झारखंड हमारा आज की तारीख में ग्रेन्स के मामले में सरप्लस स्टेट नहीं है जी जी, और वो ग्रेन्स खरीदते हैं छत्तीसगढ़ से। जैसे ही छत्तीसगढ़ हमारी मंडी, मैं नाम अगर लूं तो भाटापारा मंडी अगर ऑनलाइन आ जाती है जी जी जी, तो ऑनलाइन कारोबारी खरीद सकते हैं, जो आज की तारीख में भी कारोबारी व्हाट्सएप या फोन के जरिए कर रहे हैं जी। एक 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 तरह का सांकेतिक उदाहरण सामने आ जाएगा कि पूरी देश में, पूरे भारत में कहीं पर भी बैठ के कारोबारी ये देख सकता है कि मैं दाल, दलहन जी जी, गेहूं और बाकी अनाज, फल, सब्जी इतने दाम पे उस मंडी में अवेलेबल हो क्या रहा है। कि मैं खुद एक किसान परिवार से हूं और वैसे भी व्यापार से जुड़ा हुआ हूं, और नागार्जुन ग्रुप 40 साल से भी ज्यादा किसानों से ही डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। आज तक सिर्फ था कि उत्पादकता बढ़ाएं किसानों की, अब है कि किसानों को दाम भी बढ़ाएं जी जी जी। तो नागार्जुन ग्रुप उसमें जुड़ने में एक गर्व भी महसूस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम नाउ अब शुरुआत से लेकर अंत तक उनकी फसलों की बिक्री तक भी रहेंगे जी जी। तो अभी हो क्या रहा है कि इसमें जैसे ही मुझे दाम दिखा, एक जगह तो है कि जहां पे कमी है किसी फल सब्जी की, कोई अगर मैं उदाहरण तौर पर मान लीजिए टमाटर ले लेता हूँ, कहीं पर तो ये 40 रुपए किलो बिक रहा है और कहीं पर 25 पैसे किलो, किसान को दाम भी नहीं मिल रहा है, और इसमें व्यापारियों का कोई दोष नहीं है जी जी। सीधी सी बात यह है, इसमें यह है कि एक तरह की वो देख नहीं पा रहे कि दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश में जी जी, दूसरी मंडियों में जी जी, क्या दाम मिल रहा है, किसान को भी नहीं दिख रहा ना ही व्यापारी को दिख रहा है। अगर दोनों को दिखता है तो एक समन्वयता बनती है जी जी, और किसान का यही प्रयास। और जैसे कहा भी जाता है, व्यापार का मतलब ही होता है कि मांग और सप्लाई, यानी जहां मांग है आप वहां पर सप्लाई करें और उसी के हिसाब से आपको बेहतर दाम भी मिल सकते हैं। और इस इनाम प्लेटफॉर्म के जरिए किसान ये भी जान पाएंगे कि कहां पर किस चीज के अच्छे दाम मिल रहे हैं, कहां पर कमी, और इसका वो लाभ भी उठा सकता है। श्रीनिवास जी, आपके पास चाहूंगी कि अभी जो रफ्तार की हमने बात की और अभी जैसे जितेंद्र जी ने बताया भी कि एक सांकेतिक तौर पर अगर हम बात करें तो अच्छे रुझान दिखाई पड़ रहे हैं, खासतौर पर लोग इसे जानना चाहते हैं, चाहे वो किसान हो चाहे वो व्यापारी, और 7000 व्यापारी से जुड़ भी चुके हैं, तो क्या इस रफ्तार से आप संतुष्ट हैं? जितनी तेजी से इसे बढ़ना चाहिए था, आपको लगता है कि उसमें हम कामयाब हो पा रहे हैं? अच्छा सवाल है आपका जी। मैं बोलना चाहता हूँ, अभी एक एग्जाम्पल मैं राजस्थान से देना चाहता हूँ। एक रामगंज मंडी है कोटा का आसपास में, उधर एक चना का ट्रेडिंग हो रहा है। उधर हमको रिपोर्ट्स आ रहा है फ्रॉम मंडी का ऑफिसर से, हमको रिपोर्ट आ रहा है जी, जी, जी। कुछ ट्रांजैक्शंस में कुछ फार्मर्स भी वो जो प्राइस डिस्कवरी हुआ वो प्राइस में बेचने के वो तैयार भी नहीं है, तैयार नहीं है, उसको उससे भी ज्यादा प्राइस के लिए वो मना कर रहा है। सो दिस इटसेल्फ शोज सो द सक्सेस ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। सो दे आर सम पीपल आर सेइंग नो वी डोंट वांट दिस प्राइस, वी वांट अ बेटर प्राइस, वी वांट टू पोस्टपोन द ट्रेड टू टुमारो और डेव टुमारो, यानी मोल भाव करने की जो क्षमता है वो भी सो दैट इटसेल्फ इज ए वेरी गुड एग्जांपल दैट फार्मर्स आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस सॉफ्टवेयर, इन दिस पोर्टल,
एंड दे आर नाउ गेटिंग एम्पावर्ड एज वर्षा जी टोल्ड प्रीवियसली द फार्मर्स आर गेटिंग एम्पावर्ड. पहले ऐसा नहीं था, पहले ट्रेडिंग में कितना दाम आया था वो दाम में वो जी उनकी मजबूरी हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है. उनके पास भी अब विकल्प खुले हैं, तो जाहिर सी बात है कि विकल्प के बारे में वो विचार करेंगे और उसी हिसाब से अपना फैसला लेंगे. वर्षा जी आपसे जानना चाहूंगी कि कहते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि कृषि दरअसल राज्यों का मसला है, राज्यों का सब्जेक्ट है ये, तो राज्यों में कितना उत्साह आप देख पा रही हैं? पहले ये होता था कि अलग अलग राज्यों को लेकर के भी जब जाते थे किसान या फिर हम व्यापारियों की बात करें तो शुल्क भी देने पड़ते थे. कम से कम वो जो समस्या है वो इसमें नहीं होगी, तो राज्यों का उत्साह या फिर उनकी भागीदारी आप किस तरह से देख रहे हैं इसमें? राज्यों के किसानों की हमने पूरी भागीदारी देखी है, नॉट जस्ट फार्मर्स, किसानों के अलावा व्यापारियों की, आढ़तियों की, सभी की भागीदारी देखने को हमें मिली है और काफी लोगों ने उत्साह दिखाया है. शुरुआत में जैसे ही कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है अंडरस्टैंडेबली कुछ फियर्स होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, लेकिन ये स्टेट अथॉरिटीज की ड्यूटी है जो लोग इस प्रोजेक्ट को कामयाब करना चाहते हैं कि एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए. पूरे तरीके से हमने कोशिश की है सभी किसानों, आढ़तियों, व्यापारियों को अवेयर करने की. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने चलाए हैं, गांव-गांव जाकर लिटरेचर इसके बारे में बांटा है. तो शुरू में जो एक एप्रिहेंशन आढ़तियों को भी था कि एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप जो आढ़ती और किसान का है वो राष्ट्रीय बाजार से शायद खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है. धीरे धीरे आढ़ती और किसान दोनों ही काफी इसमें एक्साइटेड हैं. आढ़ती खुद ब खुद रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास आए, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया और ये किसानों का ही इस प्रोजेक्ट पर भरोसा है और एक एक्साइटमेंट लेवल है जिसकी वजह से प्रेजेंटली जो हम सिर्फ वीट में ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, किसानों की ही डिमांड पर हम आने वाले टाइम में इसको एक्सपैंड करेंगे. जैसा चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव साहब ने बताया, हम आने वाले टाइम में सब्जियों और फ्रूट्स का भी इसमें ट्रेड चाहेंगे. ऐसा पॉसिबल ही किसानों की भागीदारी और उनके उत्साह को देखकर हो पाया है जी. और दैया जी, क्योंकि आप एलनाबाद मंडी समिति के प्रशासक के नाते यहाँ पर हैं और ऐसे में आपके अनुभव जानना बहुत जरूरी है. जैसे कि वर्षा जी ने कहा कि इसमें सिर्फ किसानों को ही लाभ नहीं है, जो आढ़ती हैं और जो ट्रेडर्स हैं उनको भी लाभ है, और जो एक पारंपरिक तौर पर जो एक रिश्ता किसान और ट्रेडर्स के बीच में था उसमें किसी तरीके की दूरी नहीं आएगी, वो वैसा ही बना रहेगा. तो आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए कैसे देख रहे हैं कि पहले जो संबंध हुए करते थे और आज के दौर में जो है, क्योंकि एक ये सामाजिक ताना बाना भी बन जाता था किसान और व्यापारियों के बीच में, उसमें क्या कोई बदलाव देख रहे हैं आप? देखिए, जैसा अभी डिस्कशन में पता चल रहा है, इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, सबका कुछ एक बैकग्राउंड है जिसमें वो इकोसिस्टम में काम कर रहे थे पहले. जी जी. अभी जैसा डिस्कशन में आ रहा है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड होने की वजह से ट्रांजेक्शन जैसे जैसे बढ़ेंगी उसी हिसाब से हम एक्रूड बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे. इससे शुरू में अप्रीहेंशन हो सकती है, जैसे बिजनेसमैन को भी हो सकती है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड में रोल रहेगा कि हम उनके अप्रीहेंशन को हटाएं और जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको हमने रिप्लेस ना करके उसको हमने बेहतर बनाना है, जिससे कि जो भी स्टेक होल्डर है उनके बेनिफिट. जी, आप कुछ आशंकाओं की बात कर रहे हैं कि जो आशंकाएं हैं उन्हें दूर किया जाए, तो अभी तक किस तरह की आशंकाएं सामने आ रही है, चाहे वो किसानों के पक्ष से बात करें या फिर व्यापारियों की? देखिए, किसानों की तरफ से उनको सबसे बड़ा जो उनके माइंड में ये रहता है कि उनका पेमेंट कैसे होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, कितना समय लगेगा, कौन करेगा. जी जी. अब ट्रेडर्स क्या समझते हैं, जैसे ट्रेडर्स ट्रेडिशनल सिस्टम में काम करते थे, जो टैक्सेशन सिस्टम था गवर्नमेंट का उससे बाहर थे या फिर उसके अंदर भी थे. जी जी जी. तो अब जैसा कि सीए साहब ने भी बताया कि पॉलिसी में चेंजेस आ रहे हैं, सिंगल लाइसेंस सिस्टम लाने के लिए कहा जा रहा है, तो ट्रेडर्स भी ये जानना चाहते हैं और रादर वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का पॉलिसी आगे क्या रहेगा रिगार्डिंग लाइसेंसिंग सिस्टम, रिगार्डिंग टैक्सेशन सिस्टम, रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ मोर टेक्नोलॉजी. जी 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 जी, बिल्कुल. और जैसा कि आपने बताया कि जो ट्रेडर्स हैं और जो किसान हैं वो भी नजर लगातार बनाए हुए हैं कि इसमें और क्या क्या तब्दीलियां आएंगी और क्या क्या बेहतर होगा जिसका वो लाभ उठा सके. और इससे मंडियों में कारोबार का तरीका बदला है या नहीं बदला है, आगे क्या संकेत मिल रहे हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं. यहाँ पे कुछ हमारे साथ ट्रेडर्स भी मौजूद, व्यापारी भी और साथ ही किसान भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे. सबसे पहले कौन बोलना चाहेगा, कोई सवाल या फिर जी सुझाव? मैं जसवीर सिंह चहल, प्रेसिडेंट आढ़ती एसोसिएशन इस्लामाबाद. मैं जय गणेशन जी, मुख्य प्रशासक हरियाणा सरकार, उनसे सवाल कर रहा हूँ. दो चीज़ें पूछ रहा हूँ उनसे. एक तो
इस कार्य में सरलीकरण के लिए सरकार क्या कर रही है और एक पारदर्शिता लाने के लिए क्या कर रही है? डॉक्टर गणेशन जी, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने अभी किया है। देखिए, जो ई नैम पोर्टल की जो मकसद है वो बेसिकली पारदर्शिता लाने के से ही संबंध रखता है। इसको सरलीकरण अगर हम कहें तो जैसे हमने पहले से बताया, हम किसानों को इसके बारे में हमें इस प्रोजेक्ट को विस्तार से बताना है। तो इसमें हमने जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, इनसे हम जोड़ रहे हैं। इसको एक किस्म से उनको इसके फायदे के बारे में बता रहे हैं और जिससे फार्मर रजिस्ट्रेशन हम इसमें ला रहे हैं। सेकेंडली, इस अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे इसमें बहुत डिटेल में चर्चा हुई, तो जहां जहां ये अनवांटेड स्टेप्स हैं, इस जो पोर्टल को भी सरल बनाने की सारी कोशिश हमारी तरफ से किया जा रहा है। जो मेन मुद्दा इस डिस्कशंस पे आया था वो एक तो रिगार्डिंग जो पेमेंट के बारे में आई थी, जो पेमेंट गेटवे के बारे में इसमें आया था, जिसके लिए मतलब भारत सरकार की तरफ से पूरा आश्वासन दिया गया है कि आगे आने वाले हफ्ते के अंदर ये सारे क्लियर हो जाएंगे। सेकेंडली, जो ट्रेडर्स हैं, जो सामान खरीदते हैं, उनको कहीं ना कहीं आशंका छोटी सी इसको ट्रांसपोर्ट करने में है। इसको इस सामान की गुणवत्ता कैसी होगी और इसको कैसे ढंग से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो इसके बारे में भी काफी विचार किया गया है और आगे आने वाले समय में ये भी बिल्कुल सरल इसका तरीका बना दिया जाएगा। जी बिल्कुल, तो सरल बनाने की कोशिश की जा रही है और जो भी आशंकाएं हैं, जो भी सवाल हैं किसानों के, उन्हें ध्यान में रखते हुए आगे की जो भी योजना होगी उस पर विचार किया जा रहा है। कोई और किसानों की तरफ से कोई प्रश्न नहीं है? बैठकर बताइए अपना नाम और कहां से हैं आप? ओम प्रकाश जाखड़, एलनाबाद, हरियाणा से किसान हूं जी मैं। जी जी। और मेरा सवाल ई नैम से यही है कि हमारा जो किसानों का हित है उसके साथ कोई यदि अनदेखी होती है तो हम अपनी सुनवाई कहां और किससे करेंगे जी। और जिससे हमें इस सुविधा का पूरा लाभ मिल सके। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि किसानों के साथ अगर कोई अनदेखी होती है या फिर उनके हित पर कोई खलल पड़ता है तो उसमें वो कहां जाए। जी देखिए जी, मैं समझता हूं कि ये प्रोग्राम किसानों के हित के लिए ही ये किया गया है। मैंने जैसे बताया इसके दो फायदे होते हैं। पहले, जैसे किसान अपने जो प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमिन नहीं कर पाता था और ये जो प्लेटफॉर्म है एक किस्म से उसको अपने जो प्राइस को डिटरमिन करने के लिए हेल्प करता है। सेकेंडली, अगर आप देखें तो हम हर बार क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करते आए हैं काफी सालों से। हम कहते हैं कि इस वीट और पैडी के अलावा आप बाकी क्रॉप्स में इन्वेस्ट करें, जो किसान फॉर ऑब्वियस रीजंस नहीं कर पाते थे, बिकॉज वो अपना प्रोडक्ट का दाम उनको मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक किस्म से उनके मन में आशंका रहती थी। जी, जी, जी। लेकिन इसमें इस प्रोग्राम के आने के बाद क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे बहुत होगा, इसमें मेरा पूरा विश्वास है। जी बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं ये विश्वास जो है किसानों में भी कायम होगा। और जैसा कि अभी सवाल पूछा हमारे किसान भाई ने कि अगर कोई अनदेखी होती है या फिर कोई समस्या आती है तो उसकी सुनवाई कहां होगी। यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर 2 साल की एक पड़ताल करते हुए जारी रहेगा वाद संवाद किसानों के लिए तैयार राष्ट्रीय कृषि बाजार पर। आप देखते रहे दूरदर्शन किसान, कहीं मत जाइएगा, तुरंत होंगे हाजिर छोटे से ब्रेक के बाद। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान, क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान, जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं, कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र, वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर।
और ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर फिर से आपका स्वागत है। मोदी सरकार की दो साल की एक पड़ताल करते हुए जारी है वाद संवाद। किसानों के लिए तैयार राष्ट्रीय कृषि बाजार, किसानों की आमदनी 2022 तक दुगुनी हो, इसके लिए सरकार तरह तरह की कोशिशें कर रही है। ऐसा ही एक ठोस प्रयास है राष्ट्रीय कृषि बाजार। श्रीनिवास जी, आपसे अब हम जानना चाहेंगे कि इसमें और कौन कौन से राज्यों की मंडियां शामिल होने के संकेत हैं या शामिल हो रही हैं, और इसको लेकर राज्यों की तरफ से भी क्या कोई प्रस्ताव आया है? या अभी तक हमारे मंत्रालय में 12 राज्यों का प्रस्ताव हमारा पास है। ये 12 राज्यों में 356 मंडियों का प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हमारा साथ है, एंड इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल कर दिया है, एंड 8 राज्यों में अभी शुरू हो गया था। जी जी। अभी बाकी अभी महाराष्ट्र भी शामिल हो सकता है, और छत्तीसगढ़ भी शामिल हो सकता है, देन आंध्र प्रदेश भी शामिल हो सकता है इमीडिएटली। सो उसके बाद वी आर ग्रेजुअली गोइंग इनटू अदर स्टेट्स आल्सो, बट इमीडिएटली अभी दिस 8 स्टेट्स में भी ज्यादा से ज्यादा मंडी भी हम शामिल कर सकता है, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम ऑल द स्टेट्स। उत्तर प्रदेश वॉन्ट्स टू इंक्लूड मेनी मोर मंडीज, एंड हरियाणा ऑल्सो वॉन्ट्स टू इंक्लूड मेनी मोर मंडीज, एंड गुजरात ऑल्सो वॉन्ट्स टू इंक्लूड मेनी मोर मंडी, एंड अदर स्टेट्स ऑल्सो। यानी दूसरे जो अन्य राज्य पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर स्टेट्स, अन्य राज्यों की तरफ से भी बहुत सकारात्मक आपको प्रस्ताव आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। जी जितेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि जब कोई भी चीज शुरू होती है तो सबसे ज्यादा उस वक्त ऊर्जा लगती है, और जैसे जैसे उसका विस्तार होता है वैसे वैसे उसमें क्या कमियां हैं, वो कैसे दूर करनी है, इस पर विचार करना भी बहुत जरूरी रहता है। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी बना हुआ है, जो सिस्टम है, जो योजना है, वो काफी है या फिर इसमें कुछ और सुधार करने की जरूरत है? नहीं, देखिए, हर एक कार्य को शुरू करते समय आपने सही कहा कि ऊर्जा बनी रहती है, और इनफैक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 14 अप्रैल को जब उद्घाटन किया था तो ये बात बोली थी जी। कि ये शुरू तो हम कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि अब देखना जो दबाव है दूसरी तरफ से आएगा कि हमें भी इस प्रक्रिया में शामिल कीजिए। जिसमें पहला उदाहरण एक अन्य राज्य ने आपसे अभी रिक्वेस्ट किया है कि हम कितनी जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत है हमारे लिए। जहां तक इसमें रिफाइनमेंट की बात है, यहाँ जिसको और अच्छा बनाने की बात है, तो जैसे हमारे चहल साहब ने बोला, जैसे जाखड़ साहब बोल रहे थे, किसानों का हित और इसको सरल बनाने की प्रक्रिया। जी जी जी। तो कोई भी कार्य जब हम करते हैं, ठीक है हम किसान परिवार से हैं, बट खेतों में किसान बैठा है, बिल्कुल मंडी में व्यापारी बैठा है, जी जी जी। हम वहां नहीं है। हुँ. तो हर तरह के सुझाव का, हर तरह की सलाह का स्वागत है, और अगर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, अगर कोई भी प्रक्रिया अगर सरल की जा सकती है और इसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, और अच्छा बनाया जा सकता है, हम चाहते हैं, ये भारत सरकार का कृषि मंत्रालय का स्पष्ट निर्देश है कि अगर हम विश्व में नंबर 1 बन पाए मंडी को ऑटोमेशन में, तो हमें वो करना है। इसमें कहीं कोई हिचक नहीं आनी चाहिए। जी जी। और इसके लिए आप देखिए, एक चीज हम बीच में इस डिस्कशन में पूरे में एक चीज थोड़ा सा कहीं स्किप हो गई, क्वालिटी असेइंग की बात अभी तक हमने नहीं की है। जी जी। तो ये गुणवत्ता की जो जांच जो इस लैब के थ्रू आ रही है, जो इस पोर्टल के थ्रू शामिल की जा रही है, अभी तक, हालांकि एक बड़ी रोचक किस्सा मैं बताता हूँ। गुजरात में एक कारोबारी ने चना उठा के दांत में दबाया और उन्होंने बता दिया कि इसमें तेल का कंटेंट इतना है, जी जी, और मशीन से भी तकरीबन उतना ही आया। तो ये है तजुर्बा व्यापारी का। जी जी जी। पर इस तजुर्बे के आधार पर आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में या अपने प्रदेश से बाहर नहीं बेच सकते। जी। यानी इसके लिए सर्टिफिकेट वगैरह भी दिए सर्टिफिकेट चाहिए। तो एक लैब बनाई जा रही है हर एक मंडी में, वहां से लैब से इक्विपमेंट से सर्टिफिकेट जारी होगा। जी बिल्कुल। यानी लैब से जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो कोई उसे किसान को ठग नहीं पाएगा, यानी वो अपने अपने तजुर्बे के हिसाब से अगर अपनी व्यापारी भी ठगानी महसूस करेगा कि उसको दिखाया कुछ और गया और मिला कुछ और। बिल्कुल। जितेंद्र जी, एक आपने बहुत अच्छी बात की कि जो भी सुझाव आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है, उन्हें बहुत ही सकारात्मक तरीके से लिया जा रहा है और उन पर काम किया जा रहा है। और क्योंकि हमारे साथ किसान यहाँ पर मौजूद है, व्यापारी मौजूद है, तो सीधे आपसे हम बात ही करवा देते हैं उनके क्या सुझाव है या फिर समस्याएं जो उनके सामने आ रही हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए। जी जी, आप बताइए, अपना नाम बैठ कर बताइए। मेरा नाम अभिनव बंसल है, मैं एक ट्रेडर हूँ एलनाबाद मंडी से, चानन मल्लीलाधर से। मैं ई नाम से जुड़ चुका हूँ और मैंने ट्रेडिंग शुरू की है ई नाम से। शुरुआती दौर में जिस तरीके से प्रॉब्लम्स आती है और अभी भी आई कि काफी समय लग रहा है ट्रेडिंग में,
किस तरह का समय, किस वजह से? आप जो भी ई ऑक्शन में परचेज कर रहे हैं, जो मैनुअल टाइम लगता है लोड परचेज करने में, उसे तकरीबन 5-6 गुना ज्यादा टाइम लग रहा है ऑनलाइन परचेज करने में। जी जी। इस बारे में हमने सेतिया साहब को भी अवगत कराया मार्केट कमेटी में कि इस बारे में क्या सुधार है। जी, इसमें देखिए, ये बिल्कुल उन्होंने सही बात उठाई है। दो बातें हैं इसमें। गौर करने वाली बात यह है कि आज तक हमारे यहाँ दो तरह की नीलामी होती थी, एक तो खुली नीलामी होगी और एक बंद निविदा। बंद निविदा में तो एक समयबद्ध नीलामी प्रक्रिया होती है, वो तो ठीक है। खुली नीलामी 20 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 25 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है, अगर हम जो चल रहा है परिपाटी चल रही है उसके हिसाब से करें तो। ढेरी के पास में कारोबारी इकट्ठे हुए, 1100 1150 1151 1155 क्लोज। तो देखिए, सॉफ्टवेयर में अगर लाएंगे, एक चीज है इसमें, अभी जो बात की जा रही है इस पोर्टल के माध्यम से बंसल साहब, ये एक ढेरी की नहीं है, ये पूरे देश की ढेरों का है। और आपका जब देखिए, जब सारी 21 मंडियों में आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर जब आप लॉगिन करेंगे तो एक ऐसी स्थिति आने वाली है कि आपके सामने 50 ढेर होंगे। ये जेस्टेशन टाइम है, ये समय भी जो है कट जाएगा आपको, 50 ढेर में। फिर आपको देखिए, हम क्या करेंगे, इसको हमने लिया है, हम इसको और फास्ट बनाने की कोशिश करेंगे। जी जी। पर जब 50 ढेर होंगे ना, उसमें आप देखेंगे तो उसमें जब आप 10 में नीलामी में भाग ले पाएंगे, आप बैठे हैं इलाहाबाद में, आपने करनाल में भी नीलामी की अपनी डाल दी बोली, आपने हरियाणा में कहीं और डाल दी, आपने उत्तर प्रदेश, यानी जैसे जैसे लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, किसानों की भागीदारी, व्यापारियों की, इसमें भी तेजी आएगी। जी, कोई और प्रश्न? जी, बैठ कर बताइए, अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं इलाहाबाद से हूँ, मैं किसान हूँ। मैं वर्षा मैडम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो लेब रहेगी, प्रयोगशाला रहेगी, कि सीजन के अंदर जैसे सरसों है बहुत ज्यादा आवक होती है, जैसे प्रयोगशाला एक रहेगी तो वो लाइन लग जाएगी भी, उसमें क्या प्रोसेसर रहेगा, किस तरह का रहेगा? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और यहाँ पर जो कहते हैं कि कार्यबल क्षमता भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, तो वर्षा जी आप इसका जवाब दीजिएगा प्लीज। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ई नाम प्रोजेक्ट के अंडर एक एसेइंग लैब तैयार की गई है और सभी मंडियों जो ऑनलाइन हुई हैं उन सभी मंडियों में लैब और लैब के इक्विपमेंट्स के लिए असिस्टेंस दी गई है। इन लैब्स में जो जो प्रोड्यूस के लिए हमने एनरोल किया है, जैसे करनाल मंडी गेहूं के लिए एनरोल है और उसके हिसाब से ही हमारे पास इक्विपमेंट्स जो हैं हम उनको यूज में लाते हैं। जैसा कि इन्होंने प्रश्न किया कि जब ज़्यादा आवक होगी तब कैसे मैनेज किया जाएगा, लैब के अंदर एक तो क्वालिफाइड जो स्टाफ पर्सन्स हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, उनका होना आवश्यक है। उसके बारे में भी किस प्रकार से किया जाए, वो प्रोसेसेस कैसे होने चाहिए, थोड़ा सा फाइनलाइज करते हुए मोडालिटीज़ को कुछ वक्त लगने की संभावना है, लेकिन फिलहाल जो मंडी का स्टाफ है, एग्जिस्टिंग स्टाफ जो इस कार्य में ट्रेनिंग ले चुके हैं, वो अभी फिलहाल मंडी में जाकर सैंपल्स कलेक्ट करके और लैब्स में लाकर उसको टेस्टिंग करते हैं। जैसे जैसे आवक बढ़ती जाती है प्रोड्यूस की, हमारे पास ऑप्शन है कि हम स्टाफ को और अधिक से अधिक एंगेज कर लें और इस काम में लगा दें। तो जब मंडी में आवक ज्यादा होगी तो ये सुनिश्चित करना हमारा कार्य रहेगा कि लैब टेस्टिंग में एकदम से बहुत ज्यादा प्रोड्यूस का या किसानों का रश ना हो और सारे प्रोसेसेस स्मूथ चले। जी, यानी यहाँ पर जो समय सीमा है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, जल्दी से काम हो ये कोशिश रहेगी। जो पूरी योजना का भी मकसद यही है कि जल्दी से किसानों को उनकी उपज का, उनकी जो मेहनत है उसका दाम मिले। जी, कोई और प्रश्न पूछना चाहेगा? विनोद अग्रवाल है, इलाहाबाद मंडी से व्यापारी और फैक्ट्री ओनर है। मैं, मेरी आपसे ये सवाल है कि सरकार की इस योजना से क्या कहीं ऐसा तो नहीं है जो बीज का जो कमीशन एजेंट है उसको खत्म ही करने की सोच हो कहीं? व्यापारियों की सबसे बड़ी चिंता यही है और यही कहा जाता रहे कि जो बिचौलिए होते हैं वो सबसे ज्यादा माल खाते हैं। 10 साल पहले आपको मालूम होगा, अभी एसटीडी बोस ज्यादा था, एसटीडी बोस सब 11 बजे इतना लोग इकट्ठा होता था क्योंकि उनका टाइम वो टाइम पे 1/4 फेयर मिलता था। सो हम वी डिन स्टॉप देयर, से हम आगे बढ़ा। अभी आजकल स्टडी बूथ अभी दिखाई नहीं देता, और क्योंकि अभी नया टेक्नोलॉजी आ गया, नया मोबाइल टेलीफोन आ गया, अभी इवन लैंडलाइन का भी इतना रेट बहुत कम हो गया, सो स्टडी बूथ का सवाल ही नहीं है अभी। सो टेक्नोलॉजी का मींस
वी आर नॉट ट्राइंग टू किल द सिटी बूथ पीपल जी, यानी किसी को नुकसान पहुंचाने का मकसद नहीं है, आना चाहिए और एक रूप में उनको ट्रेडिंग में जी, कर सकता यानी बदलते दौर के साथ हर किसी को बदलना होगा और बेहतर यही है जिस समय के साथ जी। कोई अब कोई और प्रश्न पूछना चाहेगा जी, कम शब्दों में पूछेगा। कमलेश कुमार नैन, गांव खारिया। मैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करता हूं, तो इसमें मैं ये पूछना चाहता हूं जी, हम अब इस ई नैम में लेके आएंगे फसल तो हमारे कोई एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह तो नहीं लगेंगे जी? कोई जी उसमें बढ़ा दें जी कोई टैक्स नहीं इसमें। देखिए जो ई नैम की रिक्वायरमेंट थी, जो हमें अपने रूल्स में जो चेंज करना था, वो एक किस्म से जो सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फीस का था और एक जो सिंगल ट्रेडर लाइसेंस जो हमने, यानी इसे टैक्स और घटेंगे बल्कि जी। और इसमें मतलब मेरा कहने का मतलब है जो ई नैम से रिक्वायरमेंट जो दो तीन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट थी उसके अलावा मतलब जो स्थिति है वैसे ही रहेगी जी, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई अतिरिक्त शुल्क इसमें नहीं लगेगा नहीं। जो एक आशंका है जो किसानों के मन में वो भी अभी दूर हो गई है। और बहुत अच्छा लगा, हमारे किसान दर्शकों ने बहुत सारे सवाल पूछे, व्यापारियों की भी जो आशंकाएं थी वो भी दूर हो गई, और आपने मेहमानों ने भी बहुत अच्छे से इस पूरे विषय को हमारे दर्शकों को समझाया, हमारे किसानों को समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और इसी के साथ ही आज के वाद संवाद में फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर हाजिर होंगे वाद संवाद के एक नए विषय के साथ, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि खेती किसानी से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन्हें उठाया जाए और मंथन किया जाए, उन पर चर्चा की जाए, उसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।